हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई 2019 में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का सिक्स वीडियो, ठीक है, छठा वीडियो हम देखने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से जो पेयर्स है वो करेक्टली मैच नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें तीन करेक्ट आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब याद करने के लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाले हैं, बाकी तो एक तो रॉन्ग है ही है, ठीक है, करेक्ट मैच नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच, ओके, बाकी मतलब मैच है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है बैक्यूरल रेडियोएक्टिव से रिलेटेड है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो पेंसिलिन है, लुइस पैश्चर ब्लड ग्रुप एंड विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, लुइस पाश्चर ब्लड ग्रुप, मतलब ये इसके साथ करेक्ट मैच नहीं है, बाकी सबका करेक्ट मैच, मतलब बैक्यूरल रेडियोएक्टिव से रिलेटेड, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन से है, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है कि बैक्यूरल रेडियोएक्टिव से, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन से एंड विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन से है। तो इस तरीके से हमें ये तीन पॉइंट भी इंपॉर्टेंट मिल गए कि अगर ऐसे कोई करेक्टली मैच की बात आता है तो ऐसे रिलेटेड अगर आ जाता है तो हम करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, कलर ब्लाइंडनेस, ऑल ऑफ द एबो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कलर ब्लाइंडनेस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि कलर ब्लाइंडनेस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये हेपेटाइटिस, ल्यूकोमिया ये नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज प्राइमरीली अटैक्टेड बाय द एचआईवी, एचआईवी से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, पहला है कार्डियोवास्कुलर, इम्यून, रेस्पायरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इम्यून, ठीक है, इम्यून इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड एंटर्स द ऑर्टा ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द डैश। तो ऑप्शन दिया है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट। इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड एंटर्स द aorta ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सर्कुलेट होके ब्लड एंटर्स द aorta, aorta में एंटर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज नॉट सप्लीमेंटेड इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग लेग्यूम्स, सप्लीमेंटेड इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग लेग्यूम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, ठीक है, किसको बोला जाता है सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। तो देखिए ऑप्शन दिया है रिबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोली। तो इसका जो सेवन सिक्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स इज द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, लाइसोसोम्स इज द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लीजिए, क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट इन टर्नर्स सिंड्रोम इज। तो उसका करेक्ट पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, 47XXY, 45XO, 46XX एंड 47XYY। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, 45XO, ध्यान में रखना है 45XO, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ एमिनो एसिड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन, एक्सिस ऑफ एमिनो एसिड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन। तो ऑप्शन है किडनी, लीवर, स्प्लीन एंड रेक्टम। तो क्वेश्चन नंबर जो एट है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, किडनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं, इफ़ ए पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली
when it is placed at about 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम ही इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब वो किससे सफरिंग फ्रॉम है, 25 सेंटीमीटर के अवे जो है वो ऑब्जेक्ट वो देख सकता है 25 सेंटीमीटर, तो किस रोग से है, तो मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, एस्टिगमाटिज्म है, नॉन ऑफ द एबो है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी है, नॉन ऑफ द एबो। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, एंटी रेबीज वैक्सीन वैक्सीन, ठीक है याद रखना एंटी रेबीज वैक्सीन। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या क्या ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर, जेम्स लिंड, लुइस पाश्चर एंड रॉबर्ट कोच, तो करेक्ट ऑप्शन है एंटी रेबीज वैक्सीन का डिस्कवर करने वाले लुइस पाश्चर, लुइस पाश्चर याद रखना एंटी रेबीज वैक्सीन। तो इस तरीके से हमारा ये 10th क्वेश्चन कम्प्लीट हुए, इस तरीके से ये 6th वीडियो कम्प्लीट हो गया बायोलॉजी का। इस तरीके से आप देखते रहिए कि ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलते रहें और आप बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।